सभी का स्वागत है। मैं नमन जायसवाल, एमए फोर सेमेस्टर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। समावेशी शिक्षा के प्रकरण में आज हम भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि 1986 के सोसाइटी पंजीकरण के तहत एक स्थापित संस्था है, जिसे 1992 में अधिनियम के रूप में पारित किया गया, जो कि 1993 में 22 जून की तारीख को वैधानिक निकाय के रूप में सरकारी संस्था के तहत कार्य कर रहा है। इसे और व्यापक आधार बनाने हेतु 2000 में संशोधित किया गया, जिसमें विकलांग, वंचित और विशेष शिक्षा आवश्यकता समुदायों पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को विनियमित करने के लिए संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। यह भारत में एकमात्र वैधानिक परिषद है जिसे केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने की आवश्यकता हेतु मुख्य रूप से उन सभी पेशेवरों के विवरण का दस्तावेजीकरण करती है जो विकलांग समुदायों के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम संचालित और वितरित करती है। हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो पहला नाम आता है कोठारी कमीशन का। कोठारी आयोग, जो कि 1964-66 में बना, इन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए एक सिफारिश की, जिसे हम स्कूल में विकलांग बच्चों के नियमित आने जाने की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। दूसरे में बात आता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण विभाग। इन्होंने एक योजना लागू की जिसे हम IEDC यानी सीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के रूप में जानते हैं, जिसे 1982 में कार्यान्वयन हेतु शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। इसके इतिहास में तीसरा नाम आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि दूसरा शिक्षा नीति था 1986 में। इन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को समान भागीदार के रूप में सामान्य समुदाय के साथ एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में प्रतिपादित किया, जो कि सबके साथ समावेशी रूप में शिक्षा प्राप्त कर सके। इसकी स्थापना में जब यह स्थापित हुआ तो इसके संस्था के रूप में स्थापित, लास्ट में आता है 1986 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय पुनर्वास परिषद, इसमें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का भी प्रतिपादन किया गया जो 1987 में हुआ। अंतिम रूप इसे 1992 में दिया गया रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में। हम बात करते हैं इस कानून, परिषद होने के नाते यह कानून, इसमें जो कानून है इसे कुछ शक्तियां प्रदान करता है। पहली शक्ति के रूप में हम बात करें तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उनका नियमन करना तथा उन्हें मॉनिटर करने की शक्ति प्रदान है। दूसरे में बात करें तो पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने के लिए तथा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो योग्य पेशेवर और कार्मिक कार्य कर रहे हैं उनकी केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाने का कार्य भी इनके पास है। इस पर यहाँ की तीसरी बात करें तो विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना जो विकलांग बच्चों की सेवा जो प्रदान करती हैं संस्थाएं, उनकी मान्यताओं को छीनने का कार्य, अर्थात उन शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना जो यह सेवा प्रदान कर रही हैं संस्थाएं, जो अयोग्य हो जाएं तो उन्हें मान्यता उनकी छीनने का काम इनके पास है। आखिरी की बात करें तो यह परिषद की कानून जो है विकलांग व्यक्तियों को, जो विकलांग संस्था के अलावा विकलांग व्यक्ति हैं सेवा जो प्रदान कर रहे हैं उनको भी अयोग्य जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की शक्ति भी प्रदान करती है। इसके बाद आता है इसका उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में पहले उद्देश्य के रूप में हम बात कर सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का जो नियमन है यह इसका उद्देश्य है। और उद्देश्य में इनकी बात करें तो शिक्षा और प्रशिक्षण के जो न्यूनतम मानक हैं उनको निर्धारित करना, ताकि विकलांग बच्चों के साथ जो पेशेवर और कार्मिक काम कर रहे हैं उनकी श्रेणियों का भी निर्धारण किया जा सके। पूरे देश में सभी प्रशिक्षण संस्थानों को जो मानक मिलते हैं उसका भी विनियमन करना इसके तहत आता है। बात करें इनके आखिरी में तो क्षेत्र में जो देश में जितनी भी संस्थाएं हैं
मास्टर डिग्री, स्नातक डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको मान्यता देना भी इनका उद्देश्य है। और देश के अलावा विदेशी जो संस्थाएं हैं उनके भी लिए पुनर्वास में विशेष शिक्षा को अनुसंधान और बढ़ावा देने हेतु मान्यता प्राप्त कर किया जा गया है। और बात करें इसके आगे उद्देश्य में, तो भारत और विदेशों में संस्थानों से विकलांग लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के नियमित आधार पर जानकारी एकत्रित करना भी इनका उद्देश्य है। राष्ट्रीय संस्थानों और विकलांगता पर शीर्ष संस्थानों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना भी इनका कार्य है। आखिर इनके उद्देश्यों की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांगता जो संस्था है, जो कानून है, उनके रजिस्ट्रेशन की भी बात करता है। उद्देश्यों की समाप्ति के बाद हम इनके बात करें अगर रिव्यू करने की, या इनके हम सुझाव की बात करें, या इनके हम समीक्षा की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि आरसीए अधिनियम 1992 जो है एक बड़ा कदम है समाज में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए। आरसीआई ने विभिन्न पुनर्वास पेशेवरों, संस्थानों और नई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा पहचान करके कार्रवाई के क्षेत्र में व्यापक रूप से विस्तारित भी किया है। और हम बात करें तो इसमें पारदर्शिता, गुणवत्ता, आश्वासन, पेशेवरों और प्रशासनिक अधिकारियों की कमी, पीडब्ल्यूडी मास्किंग, आरसीआई के लिए अन्य कृत्यों का भी इसमें समीक्षा करता है। आरसीआई अधिनियम 1992, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई, उसमें समावेशन, ब्याज का संघर्ष, गुणवत्ता आश्वासन की भी बात करता है। आरसीआई की स्वायत्त प्रकृति को बनाए रखना एक चुनौती है, इसकी समीक्षा के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं। हम इनके बात करें, अगर हमें सुझाव देना हो तो सुझाव के रूप में हम कह सकते हैं कि 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात जो नई शिक्षा नीति 2020 आई, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता खोजने के उद्देश्य से जानबूझकर चर्चा की आवश्यकता है। और साथ ही साथ भारतीय पुनर्वास परिषद की स्वायत्त प्रकृति को बनाए रखना भी इसमें शामिल है। यदि हम समावेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो प्रभावी गुणवत्ता आश्वासन तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। परिषद और अधिनियमों का एकीकरण एवं प्रभावी समाधान साबित हो सकता है। मंत्रालयों के बीच सक्रिय, प्रभावी और संबंधित सहयोग की आवश्यकता है। भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में हम एक छोटी सी जानकारी प्रस्तुत किए। धन्यवाद।